खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां हांडिया के शाहपुर दांडी गांव में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से हमला कर अधेड़ की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। बता दें कि दांडी गांव के सकंठा प्रसाद बिंद 48 व नेबू लाल पड़ोसी है। सोमवार सुबह नेबू लाल बल्ली का पेट काट रहा था। इस दौरान सकंठा प्रसाद के गेहूँ के खेत में खड़े होकर रस्सी खींच रहा था। अपनी फसल को नुकसान होते देख सकंठा प्रसाद ने विरोध किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान बात ही बात में लाठी डंडे व कुल्हाड़ी चलने लगे। झगड़े में सकंठा प्रसाद की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया गया। घटना में मृतक के चचेरे भाई जीतलाल सुनील को भी काफी चोटें आई। घायलों का इलाज CSC उपरदहा में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SP गंगापार अभिषेक अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी हांडिया भीम कुमार गौतम, कोतवाल केशव वर्मा सहित इमामगंज चौकी पुलिस पहुंच गई। मामले में SP गंगापार ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपी को पकड़ लिया गया है। अचानक हत्या होने पर मृतक की पत्नी उर्मिला देवी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। हांडिया से SK सिंह पटेल की रिपोर्ट। ग्राम डांडी थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पतिदार शंकटा प्रसाद बिंद और नेबूलाल बिंद दोनों का झगड़ा कुछ पेड़ों को लेकर हो गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि शंकटा प्रसाद बिंद की लाठी डंडा चलने से और सरिया चलने से मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धन्यवाद।